Friday I will be touching you number 1 and number 2 by bye. So let me just quickly go through the contents of number 2. Okay, so let me read it for you, question by question. इस assignment में आपने actually इस assignment के दो parts हैं. Part 1 मैंने दे दिया है आपको और इसमें एक जगह पे हमने manual interaction करनी है, उसको remove करेंगे हम second part. Second part जो है वो अच्छा next week में शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका वाइवा Friday के बाद होगा next Friday जो ये हमने पूरी app बनानी है जो आपने मोबाइल में कंप्लीट हुआ है मतलब सही है. इसके लिए जो रिक्वायर्ड कोड और रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह आज हम कवर कर लेंगे, विच मींस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी हैव नो नॉलेज टू डू दिस असाइनमेंट. इसका पार्ट टू होगा, उसका हम मैंने नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे इंशाल्लाह. सो लेट मी टेल यू व्हाट यू आर गोइंग टू डू. योर गोल क्वेश्चन नंबर 1 कैमरा ऑन. योर गोल इज टू कवर अ लार्ज एरिया इन हाई रेजोल्यूशन. इन दिस एक्सरसाइज यू नीड टू टेक टू पिक्चर्स दैट कवर अ लार्ज सीन. तो हमें दो तस्वीरें लेनी हैं जो एक ज़्यादा सीन को कवर करें. यू कैन यूज एनी कैमरा इंक्लूडिंग योर सेल फोन टू टेक द पिक्चर्स. बेहतर है आप अपना सेल फोन यूज करें. मेक श्योर दैट द कैमरा डज नॉट ट्रांसलेट बिटवीन टू इमेजेस. हमने लास्ट क्लास में देखा था ट्रांसलेशन कॉज द नॉन होमोग्राफिक इफेक्ट सो टू स्पीक. इफ द कैमरा डज नॉट ट्रांसलेट एंड यू टेक टू इमेजेस, द टू इमेजेस आर ऑलवेज रिलेटेड बाय होमोग्राफी. एंड लास्ट In the last lecture, we did a proof of it. Say it. So, what you have to do, you take one picture and try your best that the camera does not translate. Then you adjust the date, change the zoom level if you want, whatever. But do not allow the camera to translate. And then take the other picture. Okay? Also, make sure that there is a non-zero overlap between two images. The two tasveerein aap le rahe hain. उन दोनों तस्वीरों के दरमियान कोई ऐसा एरिया जरूर होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन. सही है जी. अगर कॉमन एरिया नहीं होगा तो वी हैव नो वे टू स्टिच द टू इमेजेस टुगेदर. सो देयर शुड बी अ नॉन जीरो ओवरलैपिंग एरिया. दैट माइट बी स्मॉल एरिया बट इट शुड एग्जिस्ट. ऑल्सो मेक श्योर दैट द सीन इज नॉट फ्लैट और स्मूथ. एटलीस्ट द ओवरलैप पोर्शन इज नॉट फ्लैट. दिस इज फॉर एग्जाम्पल अ फ्लैट फीचर in which you cannot distinguish this point with its neighbors. That's a flat region. अगर आप जो images को stitch करना है उसमें तो जिस scene भी आप image ले रहे हैं उसमें flat region नहीं होना चाहिए. कि at least वो portion जो overlapping portion है वो flat नहीं होना चाहिए. It should be a textured region, which means you can identify a point in one image and then you can re-identify it in another. You pick a point in one image in the overlap portion. You can identify that point in the other image, in the overlap portion. If you cannot identify the overlap portion, different points, you cannot stitch the image. Clear? And that is true for your built-in app as well. Take the picture of that region and it will not be able to stitch them together. Okay, so this is the setup. You take two images and do not allow the camera to translate. Take the textured scene. Then part one. Display the first image in MATLAB using imshow function. Mark at least 4 non-collinear points using G input in the overlap region. So, पहली image में जो overlap region है, पहली और दो images में overlap region है, पहली image को display करें imshow से. G input के जरिए कम से कम 4 points mark करें हाथ से. ये 4 points में से कोई से 3 ऐसे नहीं होना चाहिए जो एक line पर आए. So, no triple of these 4 points should be collinear. So, they should be in general position. Part 2. Now display the second image using mshow and mark the corresponding points. Image 1 में जो भी आपने points mark किए 4 या 4 से ज़्यादा.
इमेज 2 में आपने कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मार्क करने हैं, इमेज 1 में जो पहला पॉइंट मार्क किया था इमेज 2 में पहला पॉइंट वो मार्क करना, ऑब्वियसली ओवरलैप में जो पॉइंट आएगा। और जो मार्किंग आपने करनी है वो ह्यूमन विजन के अकॉर्डिंग करनी है, यानी आप देख के खुद सेलेक्ट करेंगे ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे है ये एक्चुअली यहाँ पे, एंड दिस इज एक्चुअली द इंटरेक्शन दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। स्मार्ट टू विल एलिमिनेट दिस द कॉरस्पॉन्डेंस एंड द सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इट विल ऑल बिकम ऑटोमेटिक इंशाल्लाह, नो इंटरेक्शन, नो चेन पोस्ट, नथिंग। सही है, बट इन दिस पार्ट यू आर अलाउड टू इंटरेक्ट एंड मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स वेरी केयरफुली। At least 4 points are required. Why? Because in the third part you have to recover the best tomography using DLT. अगर आपको ये point पता है x1 y1 1 और आपको पता है ये map होता है x1 dash y1 dash 1 के ऊपर, ये भी आपने mark किया है, ये भी mark किया है, there is a tomography that does this, then you can estimate the tomography using DLT. You have done DLT a lot. सही, at least 4 points are required because of the DLT. DLT, the way DLT works is it requires at least 4 points. That's why you mark at least 4 corresponding points. More is better. You mark more points, that's better. Okay? So, DLT का board आपके पास है, आपने लिखा है, question file है, recover the tomography. Last part, use the estimated tomography and warp the second image into the space of the first image so that they are switched. Leave the borders, if any, are black. Write your own code for image warping. Image warping का code आज हम लिखेंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे सारा code आपको लिख के दूंगा, वो बाद में आप जाके MATLAB में लिख लीजिएगा। वैसे मेरा अपना लिखा हुआ code जो है वो available भी है teacher data पे। But I will highly recommend कि आप ये खुद से लिखें to become more familiar with MATLAB images. सही है जी? So होगा ये कि आप image warping और image warping के दरमियान एक tomography compute करेंगे using overlapping region. फिर इस होमोग्राफी का इन्वर्स अप्लाई करेंगे इमेज 2 के ऊपर, तो इमेज 2 इमेज 1 की स्पेस पे इस तरह से आएगी कि ओवरलैप रीजन ओवरराइड हो जाएगा, लेकिन जो बाकी स्पेस है वो स्पेस में स्टिच होगी सो दैट ये जैसे कि स्टिच होनी चाहिए। जब ओवरलैप रीजन अपने कंट्रोल पॉइंट्स के ऊपर मैप होगा तो अकॉर्डिंगली जो बाकी इमेज है वो स्केल और ग्रेड होगी इस तरह से आएगी कि इट विल लुक लाइक अ कंटिन्यूएशन ऑफ वन इमेज। क्लियर? और उसका कोड आपको लिखना पड़ेगा और उस स्टिच से जो इमेजेस टुगेदर। I will give you a good bulk of code today, inshallah. Then you have to cover the missing details. Clear? Okay. Question number 2 is the same as question number 1, but rather than applying your own DLT code and your own image warping the code, image warping means image transformation. You have to now apply, everything else is the same, but rather than applying DLT code yourself, you apply built-in MATLAB function CP2D form, that will give you a homography. Or another function is estimate geometric transform. You might built-in functions के नाम लिखी, आप इनको इनकी documentation पढ़ें, देखें कैसे use करना है, और built-in functions को use करके homography estimate करें। ये homography estimate करने में अंदर में जो algorithm लगाए हैं वो DLT like ही हैं, लेकिन आप DLT का अपना algorithm भी लगाएं और built-in भी ये देखें, देखें what's the difference. Similarly, जो image warping का आपने अपना code लिखा हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है, आप देखें बिल्टिन फंक्शन है इन वॉर आई एम डब्ल्यू या इन वॉर, वो मैंने रिक्वायर किया आपसे, वो भी आप यूज करें सो दैट यू नो हाउ टू यूज बिल्टिन फंक्शंस इन फ्यूचर इफ यू वांट टू स्टिच थिंग्स टुगेदर यू शुड नो द बिल्टिन फंक्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू सॉल्व द फर्स्ट टू क्वेश्चंस, आई मीन यूजिंग द बिल्टिन फंक्शन एंड यूजिंग योर ओन कोड, बट रादर देन जस्ट फॉर टू इमेजेस यू टेक अ लॉट ऑफ इमेजेस। For example, you have a big scene, you take this, a lot of images together, or maybe you take a 360 degree if you are on a tripod or something like that, and then you just flatten everything in one image. Clear? Yes. And this is not a tough problem. If you can solve the problem for two images, this problem can be reduced to solution of the two images by problem. And the way is this. If you know how to stitch one image and the second image together, then stitch the second image into one, and then this is now one image. Mm-hmm. Now stitch the third image, which is now the second image, in the first image. And now stitch one more and so on. So if you can solve the question for two images, you can solve it for arbitrary images. Okay? So in my area portion, four average. Just to select at least 4 points. So you should be selecting at least 4 points. That much of the
texture. If it is a high texture area, a lot of testing points, then a small overlap is sufficient. Actually, the overlapping area में जो points आपने mark करने हैं, उनमें वो points linear नहीं होने चाहिए. So it actually, the more overlapping is good. It will take a lot of images. More overlapping is good. To be on the same side. This will become a problem when we will establish this automatically. Then this rotation scale, this will become a huge problem. And that is the second part of this design. And we will learn all that concept, all those concepts in the next video. But human vision, that's okay, you can locate the point. You cannot locate, for example, you cannot locate this point. If you choose this point in the first area, you cannot locate it. That's very difficult. I would recommend you choose this point. Now, no matter how it rotates and scales, you can identify the corner. And that's why they are, we'll study the key points and corners and their benefits in the next week. Right now, you just, jab aap point select kar rahe honge, tab bhi aapke zehen mein aa raha hoga ki ye nahi main ye select karta hu, ye aur ye. Ye jo aap thinking kar rahe ho na, reasoning kar rahe ho, main ye select nahi karta, ye karta hu. That actually goes into the next week topic. Key points selection. Okay, next. I have given you a complete demo of what we are going to do in part 1 and part 2. So I have uploaded a MATLAB code, automatic panoramic image stitching example. This is the source code. This is the source code of complete assignment part 1, part 2. I recommend you to go through this code line by line, see what this code is doing. If you run this script as it is, it will load some images from MATLAB directly, your MATLAB directly. It will show you the images and then it will automatically stitch and it will show you what is this. And I mean, seeing this code, you will get a look and feel what you are going to do eventually. See? Then if In the code, if you go in the code line by line, there are some lines there that if you apply G input there rather than their automatic procedure, then that's what the first part of the assignment is. So I recommend you to go through this code, understand this code, understand chunks of this code, for example, how to stitch two or more images together, how to make a bigger matrix and place images and so on. Take any kind of help you want to take from this script. Copy the code as long as you understand in your code. All I need is 90 kb, you know, bits and bytes of your code. Okay? And this is the final solution. Your solution should look like this. For question number 5, I required that this script ko apni images pe chalaye. So for example, iski pehle ya dusri line mein ye image read kar raha ho, load kar raha ho. तो आपने जो इमेजेस खींची हैं वहाँ पे अपनी इमेजेस का पाथ दें एंड लेट द स्क्रिप्ट रन. तो जिस वे में ये आपकी इमेजेस को स्टिच करेगा ऑटोमेटिकली, दैट इज आवर गोल आफ्टर पार्ट 2. क्लियर? यस. एंड दिस इज अ फन असाइनमेंट एंड अ बिट इन्वॉल्वड एज़ वेल. सो नेक्स्ट फ्राइडे वी विल बी हैविंग वाइवा फॉर होम वन एंड होम टू बोथ इंडिविजुअल. सी इट. आई विल कंडक्ट वाइवा फॉर दिस. Light on. By the way, हर homework के साथ एक तीसरी फाइल भी हमेशा होती है .tex फाइल. ये फाइल आपके लिए नहीं है, ये फाइल उसके लिए है जिसने इस assignment को edit करा. That's a latex file.
अगर किसी ने इसको सैम्पलिंग को एडिट करना हो बाद में या इसी सैम्पलिंग से कुछ चीज़ें निकालनी है वगैरह वगैरह, तो मैं टेक्स्ट फाइल ये मैं अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेता हूँ, लेकिन हमेशा .dex फाइल दैट हैज नथिंग टू डू विद योर असाइनमेंट, रेस्ट ऑफ द फाइल सी रेस्ट ऑफ द फाइल। हमने रोटेशन मैट्रिक्स की
together in inequality matrix, so I can apply this matrix k on I1 and get I2. Finding two of matter and function dikha tha, if you remember. Uska naam nahi kya rotate naam kar rahe hain ya I'm rewriting that function today as what? Say it. I'm rewriting that function and will fill the missing details inshallah. So let's start. Goal is image 1 is given and a transformation matrix for now. A 2x2 transformation matrix is given. I want to apply this matrix on that image and the result should be I2. For example, if the transformation matrix contains rotation effect, I1 should be rotated and the result is stored in matrix I2. If A, the transformation matrix contains the scaling effect, whether shrinking or expanding, either way, it should apply that effect. It should apply that effect. If it has a shear effect, it should apply that effect. If it has a combination of effects, first rotate, then shear, then scale, then rotate, that total effect, if A has that total effect, it should apply that effect. At the end of the day, this 2x2 matrix has some effect. The basic effects are of this form. Cos theta minus sine theta. Sine theta cos theta. If you have matrix in this form, then it will rotate. If you have matrix in this form, then it will scale. Scale up or scale down, I mean expand or shrink depending on the values of A and B.
in column direction, then you apply some scaling, then some rotation, then some shear, then some scaling. At the end of the day, the image was first sheared, then rotated, then scaled, then sheared. But if you see the matrix multiplication is associated, the image was transformed by one combined 2x2 matrix. If you multiply all these matrices together, you come up with a general 2x2 matrix. This. That may have a lot of effects inside. Combined effect. So I'm going to write a code that, given a 2x2 matrix that has whatever kind of effect in it, it will transform into. And we can mathematically prove that every 2x2 matrix, as long as the matrix is invertible, it actually contains just these combinations. I mean, there is no other transformation that is in there. अगर आप यानी आप ये सोच सकते हैं कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसमें चार नंबर्स हैं तो उसमें हो सकता है कोई स्केलिंग कोई भी हो कोई रोटेशन कोई क्या हो सकता है इनके अलावा भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई भी हो तो उसमें अप्लाई हुई भी ध्यान से लिखना बिकॉज यू कैन ऑलवेज डू एसपीडी ऑफ ए एंड एसपीडी ऑफ ए विल गिव यू ऑर्थोगोनल डायगोनल orthogonal. This means rotation or reflection, this means rotation or reflection, this means scale. In fact, shear is also an independent, is a dependent transform. Duniya ke tamam linear transformations, they are achievable through rotations, reflections and scales. Yani, aap actually shear kar rahe, lekin wo shear effect is achievable by some scaling, some rotations and reflections. And this is the proof, SVD. Yeah. Is that okay? मुझे लगता है आपको समझ गए और ये इसी चूके चल रहे हैं क्या ज़्यादा ऐसे सारे इफेक्ट हम चुके हैं और ज़्यादा रटने लगे बताइए इसे सोके हम आप मैंने ये कहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी ये जैसे टू बाय टू मैट्रिक्स है मैं इसको एसपीडी करूंगा तो मैं इस मैट्रिक्स को लिख सकता हूं सम ऑर्थोगोनल टाइम सम डायगोनल टाइम सम अदर ऑर्थोगोनल अब कोई भी 2x2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो या तो रिफ्लेक्शन है या रोटेशन है डायगोनल मैट्रिक्स है 2x2 तो वो स्केलिंग है एक और हर 2x2 मैट्रिक्स इस तरह से डिकम्पोज किया जा सकता है इसका मतलब है दुनिया का जो भी आप लीनियर इफेक्ट लेके आएंगे इट इज अचीवेबल बाय जस्ट रोटेशन रिफ्लेक्शन एंड स्केलिंग इसका मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है और इसके अंदर इन ट्रांसफॉर्मेशंस के अलावा भी कोई इफेक्ट है यस नो यस इन फैक्ट शियर इज नॉट देयर आई मीन आप शियर इफेक्ट यू कैन अचीव शियर इफेक्ट बाय स्केलिंग रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन तो सर ये सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे यस शियर इज अचीवेबल बाय द अदर्स It depends upon the others. But this is one very standard kind of effect. So writing this its matrix explicitly is good. This is not this view from 3D to 2D. This is not the so do not confuse yourself with this shear as a skew parameter of the camera. It has a different Two parameter the camera that has a different meaning, shear matrix has a different meaning. So, do you agree? Yes. So, our goal is now to apply this 2x2 transformation on I and achieve I2. Clear? और ये हमने last time देखा था. Last time हमने काफी सारे इसको पढ़ लिया था. हम थोड़ा सा इसको मशीन देखते हैं, तब सीन से और फिर इसमें जो मशीन देखते हैं उसको बोल जाते हैं. You will help me in writing this code. Function name is, let's say, function i2 equals to var i1a. And this, here the function ends. It's not that. What is the first step? What should be the first step? What should we do? We have done this, open that code if you need. What should we do? Mm-hmm.
नहीं मैं कह रहा हूँ ये लास्ट वाला कोड आप देखना चाहते हो देखिए मुझे मैं दोबारा देखना चाह रहा हूँ उसको जो टाइम वाला सेट किया होगा रोटेट होगी और रोटेट का मैं सुना बहुत करता हूँ क्योंकि तब मैं सोच रहा था सिर्फ रोटेशन मैट्रिक्स अब मैं कह रहा हूँ कोई भी मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स है So first step is how to determine the size of I2. Yes. Yes. Okay. How to determine the size of I2? So what you do is the following. You first compute the size of I1. RC equals to size of I1. That's RC. Then there are four corners of I1. This corner, let me call it 0.1, 0.2, let me call this as 0.3, let me call this as 0.4. So 0.1 has coordinates 1, 1. So this is 1, 1, yeah, 1, 1. This is 0.1. Similarly, 0.2 is 1C. 0.3 is R1. 0.4 is RC. What you do is apply A on this, apply A on this, apply A on this, apply A on this, and get, let's say, R1, C1, and then get R2, C2, then get R3, C3, then get R4, C4. Okay? Then take the max of min R, which is equal to minimum. R1, R2, R1, R2, R3, R4. Then take the max R. That is the maximum. R1, R2, R3, R4. Then do the minimum C and minimum maximum C using C1 and stuff. Say it. Then your size R. Then your size of your new image, I mean R2 is equal to max R minus min R plus 1. Remember this? Yes, sir. Then your C2 is max C minus min C plus 1. And your I2 is zeros R2 C2. Yes, no? Yes. So I'm going to write this in MATLAB in a very clear way. So what you do is the following. Let's say this is our lines. That is equal to A. A is given. Static. I'm defining this matrix as 1, 1, R, R. And the second row is 1, C, 1, C. You multiply this matrix with this one. By the way, this matrix has first row 1, 1, R, R, and the second row is 1, C, 1, C. If you see, first one and this one, this is 0.1, 1, 1. This is the first row of the matrix, this is the second row of the matrix. So what is the first column? 1, 1. What is the second column? 1, C, that's the second one. What is the third? R, 1. And then we have R, C. So you multiply A with this matrix, you will. So this B will be 2 by 4. So you'll be having 4 columns. The first column is R1, C1. The second column of P is R2, C2, and so on. P image, match get transformed by yes, yes. So P ka pehla column ye hoga. P ka dusra column ye hoga. P ka teesra column ye hoga. P ka chautha column ye hoga. Sahi hai? Aur gaur se dekhiye P ki pehli row jo hai, wo hai R1, R2, R3, R4. और P की दूसरी रो जो है वो है C1, C2, C3, C4. Yes, no. So what we are going to do is the following. Min is equal to minimum P empty matrix 2. ये करेगा ये कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स पड़ा हुआ है R1, R2, R3, R4, C1, C2, C3, C4. ये मैट्रिक्स है P, दिस इज P. इसके अगर मिनिमम की बात करूंगा सेकंड डायमेंशन में तो ये कहेगा ये कि इस यानी दिस पैरामीटर 2 मींस कॉलम वाइज मिनिमम. अगर मैं पैरामीटर 1 दूं तो रो वाइज मिनिमम. तो ये कहेगा ये कि इसके मिनिमम ऐसे निकालेगा और
एंड मिन पावर सही है सही है सो ये मिन्स मिन्स के मिन्स एक कॉलम वेक्टर होगा जिसमें दो नंबर्स पड़े होंगे जो पहला नंबर होगा वो होगा मिन आर जो दूसरा नंबर होगा वो होगा मिन कॉलम मिन्स यस नो ये p के साथ ब्रैकेट है उसके यहां ओ दिस इज सिंटैक्स ऑफ मिन दिस इज बिल्ट इन फंक्शन मिन इफ यू गिव दिस मैट्रिक्स एम्प्टी then it does what I've explained there. You can, because this function is overloaded, you can give this parameter in another way and it will behave differently. This, the behavior you want to be achieved by giving this empty matrix. So empty matrix means brackets. So minimum to give column-wise. Minimum column-wise. Column-wise means S, that's it. So R1, R2, R3, R4 is the minimum of the C1, C2, C3, C4 में से जो मिनिमम हो जाता अगर मैं वो पैरामीटर तीसरा वन लेता तो फिर इसने ऐसे करना था इन दोनों में से मिनिमम इन दोनों में से मिनिमम इन दोनों में से मिनिमम ठीक मेक सेंस टू बाय वन रिजल्ट दे यस दैट्स टू बाय वन द मीन्स इज अ पॉवर फैक्टर सो लेट मी डिफाइन दिस एज मेन आर इज इक्वल टू मीन्स वन and min c is equal to min's 1, min's 2. Make sense? Yes. I've written all this in one line just to save the rest of the series. So far, so good? Yes. Okay, max is? Max p bracket 2. Max r is equal to max is max is 1 and max c is equal to max is 2. I'm writing this very low level detail because you need this implementation in homework 2. That's why I'm writing a lot of details. Okay? Chale aage? Chale. Okay. Then R2 is equal to max r minus min r plus 1. You know why we need this plus 1? Yes. Yeah, I last time explained here because boundary we want to include both ends. Yes. Agar 1 se 10 tak kitne number hai including 1 and 10. So here, so 10 minus 1 plus 1. Make sense? Then we have the c2 that is equal to max c minus min c plus 1. Okay. Next. I2 is equal to zeros. R2 C2. Okay, now what we've done so far, वो मैं जब बता देता हूँ और फिर उसका जो fix करना है वो हम भी fix करते हैं. What we've done previously is the following: for I equals to 1 to R, for J equals to 1 to columns. P2 is equal to A static I semicolon J. Sahiye P2 and I2 ke andar P2 1 minus min R plus 1 comma P2 2 minus min C plus 1 is equal to I comma j, if you remember, and that's the loop ends here and this ends here. You remember this translation of indices, why you did that? Yes, sir. और फर्स्ट करें ये जो कॉर्नर है जब आपने ए उस पे अप्लाई किया था सारे कॉर्नर्स के ऊपर व्हेन यू अप्लाई ए ऑन ऑल द कॉर्नर्स डिपेंडिंग ऑन द इंक्रीज ऑफ ए फर्स्ट करें ये जो वैल्यू आई है ये आई है -10, 70 इसी तरह ये भी वैल्यू है ये भी वैल्यू है ये भी वैल्यू मेक सेंस अगर ये अगर मिनिमम रो कोऑर्डिनेट -10 हो और मिनिमम कॉलम कोऑर्डिनेट -100 हो तो ये जो डब्बा बनता है ना इसका इंडेक्स होता है -10 -100
यस और इसके लिहाज से इस डब्बे का इंडेक्स बनता है -10 -99 एंड सो ऑन. जबकि जब आप अरे को इंडेक्स करने जाते हैं यू इंडेक्स द अरे यूजिंग 1, 1. मेक सेंस. सो असल में -10 और -100 ये जिस लोकेशन पे कॉपी होंगे वो लोकेशन है 1, 1. सो -10 -100 दे शिफ्ट्स टू 1, 1. सो बाकी सारे इंडिसेस भी अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएंगे. सो वो शिफ्ट करने यहां पर आगे फॉर एग्जांपल मिन आर इज -10 मिन सी इज -100 फॉर एग्जांपल. और अगर P1 ही होता है -10 सो -10 -10 +1 1 आ जाएगा. सिमिलरली यहां पर भी 1 आ जाएगा और सिमिलरली बाकी जितने भी P2s ये जो इंडिसेस हैं दे विल शिफ्ट अकॉर्डिंगली. That is because array is not accessible by negative indices. Remember that? Yes, no? Sorry? Yahan pe aa jao. That was the previous code, if you remember. Now I'm going to fix some problems that are there in this code.